नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की साल 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इस फिल्म का निर्देशन करने के साथ साथ संजय लीला भंसाली इसके लेखक भी थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय लीला भंसाली सलमान की बात मान लेते तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ और ही होता। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान और ऐश्वर्या राय के अफेयर की खबरें बहुत गर्म थी। स्क्रीन पर दोनों की केमिस्ट्री को भी उसके फैंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे। हालांकि क्लाइमैक्स कुछ ऐसा था कि जिसमें ऐश्वर्या राय सलमान खान को छोड़ अपने पति यानी अजय देवगन के पास चली जाती हैं। सलमान खान इसी क्लाइमैक्स को पसंद नहीं कर रहे थे। इसे बदलने के लिए सलमान ने निर्देशक संजय लीला भंसाली से बातचीत भी की थी। सलमान ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि ये बात मैं चाहता था कि फिल्म के अंत में ऐश्वर्या मेरे पास आए, न कि अजय के पास जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस फिल्म में सलमान चाहते थे कि जीत प्यार की हो, न कि जो एक रूढ़िवादिता और जो तमाम बाकी एंगल हैं उनको जिताया जाए। लेकिन संजय लीला भंसाली चाहते थे कि फिल्म की एंडिंग थोड़ी ट्रेडिशनल हो, और इसी वजह से जो है इस फिल्म की एंडिंग वही रह गई जो ओरिजिनली संजय लीला भंसाली ने लिखी थी। और अजय देवगन की इस फिल्म की एंडिंग अगर बदल जाती तो मेरे ख्याल से फिल्म कहीं ना कहीं कुछ हल्की ज़रूर हो जाती। आपका क्या विचार है इसके बारे में, लिख करके ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।